मौका सी आम आदमी पार्टी दी विकास रैली दा ते जगह सी गुरदासपुर जिथे मुख्यमंत्री मान ते विक्रम अजीठिया विचाले चल रही शब्दी जंग दा मुद्दा भी गूंजिया। सीएम मान ने विक्रम अजीठिया नूं सवालां दे कटहरे च खड़ा कर दिता ते पंजाब नूं लुट्टण दे इल्जाम ला दिते। उन्हां मजीठिया तों हुण तक पंजाब दे लई की करन दा सवाल भी पुछिया। जनरल डायर नूं डिनर कराउण वाले, जनरल डायर नूं दरबार साहब तों सरोपा दवाउण वाले, जमीना लैण वाले, सरदियां उपाधियां लैण वाले, चिट्टे नाल पंजाब दे विच चिट्टे रंग दे सत्थर बिछाउण वाले, धीआं भैणां दीआं लखां रंगलियां चुन्नियां दे रंग चिट्टे करन वाले, और पता नहीं उह देख लो घोड़े अरब मुल्कां चों आए ते पहुंचे ही नहीं जिथे पहुंचने चाहिए सी। तो साडी बदनामी इह गल दी होगी कि सरदारां नूं जिहड़े पग्गां बन के जे मेहर ठाली उस अकैडमी चले जाण जिथे ट्रेनिंग हुंदी है तो लोग कहिंदे घोड़ा चोर आ गए, तो वो इज्जत ये बनाईया साडियां पंजाब च, वो हिसाब मंगदे साथों, वो साडे नाल गल करनगे। पहलां ये दसो कि तुसीं पंजाब वास्ते किस दिन हक च खड़े सी, तुसीं लुट्टिया पंजाब। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मेरठ दे विच सिखां दा भी जिक्र किया जिसनूं लैके मजीठिया ने सीएम ते पलटवार किया है, उत्थे सिखां नूं बदनाम करन दी कोशिश करन दे इल्जाम ला दिते। मतलब जिहड़ा सब तो वड्डा शहर है वह मेरठ है, तू भाई उत्थे पग वालिआं नूं नीवां विखा के तू कोशिश की कर रहा, तू कि सिख सोच नूं सिख मैंटैलिटी नूं हर वे चैलेंज करता रहेगा। विधानसभा च तू ककारां दी मजाक उड़ावे, बाहर तेनू मौका मिलता तू होर चक्कर, तू मेरे नाल जिहड़ी लड़ाई लड़नी है जी सद के लड़ना। जिक्रयोग है कि मुख्यमंत्री मान ने बीते दिन अरबी घोड़िया नूं लैके बयान दिता सी, जिस तों बाद ही दोहां दे विचाले शब्दी जंग छिड़ी हुई है ते दोवें आगू लगातार एक दूजे ते निशा निसा रहे ने। गुरदासपुर तों राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। हुण गल होवेगी गुरदासपुर दी, तां नाल ही गल होवेगी 2.5 किलो हथ दी, यानी कि सनी देओल दी, इस ते कि सिद्धे तौर ते मुख्यमंत्री मानवी ते अरविंद केजरीवाल भी वरदे हुए नजर आए। दरअसल आम आदमी पार्टी दे वल्लों गुरदासपुर दे विच इक वड्डी रैली कीती जिस दे विच मुख्यमंत्री मान ने सनी देओल नूं निशाने ते लिया ते नाल ही पंजाब दे विच लोक सभा चोणां दे विच जित दर्ज करन दा भी दावा कीता। गुरदासपुर के आम आदमी पार्टी ने विकास रैली की जिस दे विच आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने लोगों के वड्डे इकट्ठ नूं संबोधन किया। जदों वारी मुख्यमंत्री भगवंत मान के बोलण की आई तो उन्होंने पंजाब दियां 13 लोक सभा सीटां जितने का दावा ठोक दिता ते नाल ही चंडीगढ़ लोक सभा सीट भी जितने का दम भरिया। गुरदासपुर की धरती साढ़े कोल जिहड़े सर्वे आए ने उह गुरदासपुर हुशियारपुर की सारा पंजाब ही इस गल ते आ कहिंदे ऐतकी झाड़ू फेरांगे। मैं तुहानूं दस दिंदा 13-0 दे रिजल्ट आउणगे आ मई जून दे विच जदों देश 13-0 और नाल एक बोनस भी दे रहे हैं, जिवें आपां कहिंदे नहीं जदों दुकानदार कोल छोटे हुंदे जांदे सी बच्चे कोई चीज़ घरदिआं वास्ते लैणी नाल कहिणा रूंगा दे दो, उह रूंगा चार मिठियां गोलियां देंदा सी, 13 दे नाल रूंगा भी दे रहे हैं केजरीवाल साहब चंडीगढ़ दे रूप च। चंडीगढ़ भी आपां आम आदमी पार्टी दा झंडा गड़ रहे हैं। इस बार रैली गुरदासपुर विच सी तां मुख्यमंत्री मान ने इत्थों सांसद सनी देओल का भी जिक्र करदिआं तिखे निशाने साधे ते कहा कि वह अपनी फिल्म के प्रचार के लिए श्री दरबार साहब तो आउंदे ने पर अपने हल्के दे विच जा के उन्हां लोकां दी कोई सार नहीं लैंदे जिन्हां ने उन्हां नूं जिता के लोक सभा भेजिआ। आखिरी वारी कदों देखिआ सी इत्थे इलाके च वोटां मिले ना, देख लो हाँ आपदी फिल्म की शूटिंग करके फिल्म की कामयाबी वास्ते दरबार साहब मत्था टेकन जरूर आ गए पर उत्थों 40 किलोमीटर आ गुरदासपुर है इत्थे नहीं आए क्योंकि उन्होंने लोड़ ही नहीं जी, उन्होंने की लोड़, उन्होंने की लोगों का दर्द है, वो तो 2.5 किलो का हाथ लैके फिरी जाते हैं तो लोगों के हाथ जड़े ने उन्हें ब्याईया पै गई, लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोगों का कोई कोई सवारिया हों कुछ कोई पार्लीमेंट बोलिया हों तो कोई उतों पैसे लेके आते प्रोजेक्टा के गुरदासपुर की भी मैं कहना लिशक जाती जी गुरदासपुर की धरती है। पर मुख्यमंत्री मान ने सनी देओल नूं निशाने ते लिया ते नाल ही लोकां नूं लोक सभा चोणां दे विच गुरदासपुर च आम आदमी पार्टी का बूटा लाउण दे लई वी कह दिता। देर आए दुरुस्त आए, आपां दिल नहीं छड्डणा, आपां निराश नहीं होना, तुसीं हुण इदां करिओ गुरदासपुर तों
आम आदमी पार्टी का बूटा लाओ फल ते फुल थानू असी दे के दिखावांगे कि किवें करीदा हुंदा काम। सो ये तोड़ दो मिथ हुण कि जी गुरदासपुर तां उन्हां दा जी, हुशियारपुर उन्हां दा जी। कोई किसी के नाम रजिस्ट्री नहीं कराई आपां, जो वो अपने नहीं है आपां क्यों उन्हां दे भाई, आपां ने कोई लिख के देता उन्हां नूं। लोक सभा चोणां दे लई अजे भावें कुछ समा पिया होया पर आम आदमी पार्टी ने चोणां नूं लैके तैयारी खिंच लई है। इसे लिए गुरदासपुर के इस रैली च आप ने पंजाब दीआं 13 लोक सभा सीटां समेत चंडीगढ़ की सीट भी जितने का दम भर दिता। गुरदासपुर तो बिशंबर बिट्टू ते राजीव शर्मा, न्यूज 18 पंजाब। पहला हुशियारपुर ते हुण गुरदासपुर नूं सौगात दे के आम आदमी पार्टी ने चुनावी दाव खेडिया। जित दे दावे दे बाद हुण इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि गुरदासपुर लोक सभा हल्के नूं अज की कुछ मिलिया। कुछ नहीं करने वाले ये बड़े बड़े लोग, वो पैसे नहीं देंगे क्योंकि पंजाब से पैसा लग रहा है। पहला दुआबा खेत्र का जिला हुशियारपुर, इसके बाद आम आदमी पार्टी ने रैली की जगह चुनी माझा खेत्र का जिला गुरदासपुर, जिथे आपने विकास क्रांति रैली का प्रबंध किया। इस दौरान विशेष तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल पहुंचे ते गुरदासपुर की जनता नूं वड्डी सौगात दित्ती। इस दौरान 1854 करोड़ के नवे प्रोजेक्टों की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मान ने मंच तो संबोधन करदिआं कहा कि पूरे गुरदासपुर का हर पक्ष तो विकास किया जाएगा, अजिहा कोई भी पिंड नहीं रहेगा जिथे 18 फुट सड़क ना जाती होवे। बीजेपी इन्नी पंजाब के विरुद्ध है, RDF का पैसा नहीं देंदे, साडा 5000 करोड़ तो उपर होया पिया पैसे नहीं देंदे साडे। मैं जे कितो पैसा आ जाए मंडी बोर्ड का पैसा, मैं कह जी सड़कां नूं लिशका देंगे लिशका। कोई पिंड नहीं होगा जिथे 18 फुट सड़क ना जाती होवे, कोई यह जी सड़क नहीं होगी जिहड़ी ऐन पूरी जिहड़ी शानदार सड़क ना होवे। वो पैसे नहीं देंदे क्योंकि पंजाब ते पैसा लग रहा है। उत्थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरदासपुर के 75 सालों के अंदर 1850 करोड़ के काम नहीं हुए। पिछले हफ्ते हुशियारपुर के 850 करोड़ के काम शुरू किए गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर हफ्ते पंजाब के विकास कार्यों के काम शुरू हो रहे हैं। उत्थे मौजूदा सांसद सनी देओल को लेकर भी बीजेपी ने निशाने पर लिया। आप लोगों ने पिछली बार सनी देओल को चुन के भेजा, कभी आया, कभी शक्ल देखी उसकी, कभी नहीं आया। क्या फायदा हुआ? हम लोगों को लगा बहुत बड़ा एक्टर है, उसको वोट देंगे कुछ करेगा। कुछ नहीं करने वाले ये बड़े बड़े लोग। आम आदमी को वोट दो, आपके लिए कुछ करेगा। आपके घर के कभी उसको फोन करोगे फोन तो उठाएगा, कभी घर में किसी की जरूरत होगी आपकी जरूरत के काम तो आएगा। इस बार इन दूसरी पार्टी वालों के चक्कर में मत पड़ना, पिछले 1.5 साल में जो काम किया वो काम देख के इस बार वोट देना। जिक्र योग है कि आप हुण तक हुशियारपुर ते गुरदासपुर दे विच विकास क्रांति रैली कर चुकी है ते इन्हां दोवें लोक सभा हल्कियां दे विच बीजेपी ही काबज है। इसे करके सब तो पहला इन्हां हल्कियां ते खास फोकस किया जा रहा है। गुरदासपुर तो बिशंबर बिट्टू ते राजीव शर्मा, न्यूज 18 पंजाब। उधर आम आदमी पार्टी की गुरदासपुर रैली नूं लैके कांग्रेस दे वल्लों निशाना साध्या गया। गुरदासपुर बस स्टैंड का उद्घाटन करने प्रताप सिंह बाजवा का बयान सामने आया। उन्होंने कहना है कि कांग्रेस सरकार दे विच इह गुरदासपुर का बस स्टैंड बनिया, पंजाब के बाहरों दिल्ली के सीएम नूं बुला के उद्घाटन करवाया गया। इसनों लैके प्रताप सिंह बाजवा दे निशाना साध्या गया। दरअसल अज गुरदासपुर दे विच ही मुख्यमंत्री मान ते अरविंद केजरीवाल दे वल्लों बस स्टैंड का भी उद्घाटन किया गया। दूजे पासे हुण कांग्रेस दे वल्लों सीधे तौर पर इसनों लैके आप ते निशाना साध्या गया ते नाल ही प्रताप सिंह बाजवा ने भी दावा किया कि कांग्रेस सरकार दे विच गुरदासपुर का बस स्टैंड बनिया, पंजाब के बाहरों दिल्ली के सीएम नूं बुला के इसका उद्घाटन करवाया गया। गुरदासपुर अज केजरीवाल साहब ते भगवंत मान आए, हुण तुसीं वेखो काम कहड़े आए ने। बस स्टैंड एक पिछली कांग्रेस सरकार का बनया, साडे लोकल MLA बरिंदर मीत सिंह पाड़ा उन्होंने पूरा जोर लगा के एफर्ट करके खूबसूरत बस स्टैंड गुरदासपुर नूं दिता है।
बस इन्ना ही सी कि उहदा उद्घाटन नहीं सी हो सकिया। हुण उद्घाटन तुसी बगाने बनी, असी ये भी नहीं कहिंदे कि असी कोई मालक हां उहदे, ठीक है पैसा गवर्नमेंट दा सी, लोकां दा पैसा, तुसी चलो आ गए। पहली गल तुसी साडे सिटिंग MLA नूं उस फंक्शन वास्ते जिहदा एफर्ट सी सारा इस नूं खड़ा करन दा, उहनूं तुसी उत्थे बुलाया तक भी नहीं। ईवन मैं चीफ सैकटरी नूं मैसेज किया। मैनू इस गल का अफसोस है कि एक इंडिपेंडेंट सूबा पंजाब, उत्थों दे मुख्यमंत्री नूं बस स्टैंड जिहड़ा तुसी बनवाया भी नहीं, उहदी इनॉगरेशन वास्ते सानू केजरीवाल साहब नूं सदना पैगा जी। मैं इत्थे तुहानूं चंगी तरह दसना चाहना प्रेस दे वीरां नूं, तुसी राष्ट्रपति जी का प्रोटोकॉल कढ़िओ, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक जिहड़ा दिल्ली का मुख्यमंत्री है, बिकॉज दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट, इट्स ए ग्लोरीफाइड कारपोरेशन। अज के दिन भी केजरीवाल साहब का प्रोटोकॉल जिहड़ा मान साहब नूं कितें थले, मान इंडिपेंडेंट CM है पंजाब का, इंडिपेंडेंट सूबे का, प्रोटोकॉल मुताबिक केजरीवाल साहब जिहड़े सूबे के साडे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने उन्हां दे भी पिछले पासे आके बैठेंगे। उधर गुरदासपुर के कांग्रेस विधायक बरिंदर मीत सिंह पाड़ा भी खफा नजर आए कि उन्होंने सरकार के वालों समागम के शामिल होने का सद्दा नहीं दिता गया, जिथे कि प्रताप सिंह बाजवा ने इस लैके सवाल खड़े किए न, उत्थे बरिंदर मीत सिंह पाड़ा जिहड़े कि गुरदासपुर से कांग्रेस के विधायक ने उन्होंने वालों भी सीधे तौर पर बयान दिता गया कि इस गल को लैके नाराजगी जताई है कि सरकार के वालों समागम के शामिल होने का सद्दा नहीं दिता गया। CM साहब ने गल कही कि मैं अज आ रहा पर मैं बस स्टैंड का उद्घाटन नहीं करांगा, और 10 to 15 December के असी यदा उद्घाटन रखांगे, और असी दोनों भरा इकट्ठे उद्घाटन करांगे। मैनू पता है तुसी बड़ी मेहनत ते बड़ा तुहाडा ड्रीम प्रोजेक्ट सीगा, तुसी इहनू सिरे चाढ़िया, ते मैं बड़ा खुश होया कि बड़ी फराक दिली चीफ मिनिस्टर साहब ने दसी आ, और कहिंदे कि तुसी रैली च ना आए। मैं कहा जी मैनू लगता तुहानू प्रशासन ने मिसगाइड किया आ, ते मैं तुहाडी पार्टी की रैली च तुहानू खराब करन वास्ते या न्यूसेंस क्रिएट करन वास्ते मैं कदे भी नहीं आवांगा, और मैं आवांगा भी क्यों? मैं कहा मैं तो पजामा पा के ते घर बैठा हुआ, उस समय तो मैं कैप पाई हुई सी, ते मैं कहा तुहाडी पुलिस मेरे घर आ के बैठी है। कहिंदे इह क्यों लाई आ? मैं कहा जी तुहानू पता होगा। उन्होंने फिर मैनू लगता कि जदों उन्होंने मैनू आश्वासन भी दिता कि मैं उद्घाटन नहीं कर रहा, और 10 to 15 December के आप उद्घाटन करांगे, तुसीं चंडीगढ़ आओ मेरे कोठी, तो डेट जी फाइनल करा असं उद्घाटन कर देंगे, जिद उन्होंने दीनानगर की सब तहसील का भी कहा कि वो मैडम अरुणा चौधरी जी का भी आ, तो दोनों उद्घाटन सेम डे कर लाँगे, तो दोनों भरा इकट्ठे चलेंगे। इस बस स्टैंड की कमिटमेंट CM साहब ने मेरे नाल की, और तकरीबन उद्घाटन तो 2-3 मिनट पहला फिर उन्होंने OSD राजबीर जी का फोन आता। मैं उन्होंने कहा कि असं यदि विजिट कर रहे हैं, तो CM साहब अज विजिट करके तो यदि फिर आप डेट रख लेंगे। मैं नो इशूज, मैं कोई गल नहीं, मैं कहा मैं वेलकम करता जो CM साहब ने मैंने कहा, उन्हें फराक दिल्ली दसी है, मैं भी मैं पहला भी फराक दिल्ली दसदा अज भी दसी है, और मैं घर आके इनविटेशन भी देना वागा कि यदा उद्घाटन CM साहब आप रल के करांगे, तो पंजाब के लोगों यदा चंगा सुनेहा जाए, और कहिंदे ठीक है। और आफ्टर 2-3 मिनट जो केजरीवाल साहब आते तो तुहानू पता ही है भाई, तो वह उद्घाटन जिहड़ा उन्होंने करवा लिया। इत्थों ये गल समझ आउंदी आ, मैं कोई गलत टिप्पणी चीफ मिनिस्टर साहब या मैं कोई, क्योंकि चीफ मिनिस्टर आफ्टरऑल बड़ी वड्डी एक पोस्ट आ, उस पोस्ट ते कोई भी बह सकता। हुण ये गल मैं वो शब्द वरता कि CM साहब अपनी गल ते नहीं रहे, अपनी गल करके मुकर गए, मैं ये शब्द यूज़ नहीं करने चाहता। मैं उन्होंने चैट भी हुई है मेरी, जिहड़ी कि मैं नहीं डिस्कलोज करनी चाहता। मैं फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा ये प्रॉपर, पर चीफ मिनिस्टर साहब ना फोन पर गल करके। अगली खबर, संगरूर के स्कूल के बच्चों को खराब खाना देने दे मामले के जुड़ी हुई है। 2 बच्चों छड़ के बाकी बच्चों हस्पताल तो डिस्चार्ज कर दिया गया, छुट्टी मिल गई है। 76 बच्चों दरअसल हस्पताल के दाखिल करवाया गया था, 20 बच्चों PGI संगरूर के दाखिल किया गया, पेट के दर्द की शिकायत तो बाद दरअसल इन्हों भर्ती करवाया गया। होस्टल के खाना देने वाले ठेकेदार के खिलाफ 307 का परचा दर्ज कर लिया गया। ठेकेदार महेंद्र सिंह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ठेकेदार का कंट्रैक्ट भी रद्द कर दिया गया, मिस मैनेजर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया, उत्थे स्कूल के प्रिंसीपल ने भी सस्पेंड कर दिता है। सिक्ख्या मंत्री ने 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट मंगी है, SDM की अगवाई के जांच के हुक्म भी दिए गए।
ਕਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁੰਡਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਸੁੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਾਣੇ ਸੁੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈ ਦਹੀਂ ਹੈ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਬਦਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਫੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਬੱਚੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਹੈ 9 ਦੇ 9 ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ DOs ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਾਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਓ ਕੱਟਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖਾਣਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਰਸ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ